जाल फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूँ। सर नमस्कार। पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाया है। आसन पर सभी दल के देश आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का सच्चा नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं? हो जाता है। आपने देखा, आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। को अयोध्या ने राम की, राम भगवान की जन्मभूमि की, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्यों? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया,
राम बोले दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक मुझे मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसे बाहर भी नहीं जाने। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, तीन बार इन्होंने कहा कि तीन बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, दो बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख ले प्रॉब्लम आ जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है।